छेद तक ठीक था, तूने पोछा को बीच से फाड़ क्यों दिया है मेरे बरमुड़े को? अब मैं बैठा हूँ आलू लेने के लिए, हरामखोर देख लिया। मेरी बिल्डिंग का सब्जी वाला, मैं उसको बोल रहा हूँ कितने पैसे हुए, तो कहता है अब मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम। अगला मैं बकचोदी मत कर, I've been married for 3 years, guys. थोड़ा सा बीवी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। तुम्हें से कोई है मैरिड कपल यहाँ पे? एक को तो मैं जानता हूँ, और आप लव मैरिज अरेंज मैरिज? ग्रेट, नाइस। और कोई अरेंज मैरिज वाला नहीं है? है ही नहीं भाई अरेंज मैरिज भी। अरे मेरा ही दोस्त है यहाँ पे, अरेंज मैरिज ठीक है। और पता है क्या, मेरी भी अरेंज मैरिज है, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, है ना, आप ऐसे धोखे मत कि सारी लव स्टोरीज जो होती है ना, वो जरूरी नहीं है कि शादी के पहले शुरू हो। एक बहुत फेमस कहावत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ, कि सारी लव स्टोरी शादी के पहले शुरू नहीं होती है, कुछ स्टोरी शादी के बाद भी शुरू होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ही चुतिया कहावत है। मेरी पता है क्या, मेरी वाइफ जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसको मुझसे झगड़ा करने के लिए मेरी भी जरूरत नहीं है। मोदी जी के बोलने से पहले वो आत्मनिर्भर थी। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि मैं ऑफिस से निकलता हूँ, वो वहां लड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि मुझे आधे टाइम पता ही नहीं होता कि टॉपिक क्या है। और आधे टाइम सोचता हूँ कि हम लड़ रहे हैं फिर से। कुछ भी चल रहा है, सॉरी सॉरी बोलते रहता हूँ हमेशा। मैं हमेशा सॉरी मोड में, इतने सॉरी बोले जिंदगी में। सॉरी तो इंसान गलती के बाद बोलता है ना, मुझे अब अपनी सॉरी फील नहीं होती। मैं इतनी सॉरी बोल चुका ना, मुझे लगता है मैं इतना फुद्दू हूँ क्या। तो पीछे से कोई मेरी गाली ठोक देना, तो गाली देने की जगह मुझसे सॉरी निकल जाता है। जैसे कि मेरे घर में एक प्रॉब्लम है पोछे का, है ना, जैसे स्क्रॉच बायोटिक नाम की एक कंपनी है, हरामखोरों से पोछा नहीं बिक रहा है। और हमारी मतलब मैं उसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो अंदर के जो वस्त्र हैं, वो कब तक सरे बाजार उसकी नुमाइश होगी पोछे के नाम पर? कब तक? ये सारे लड़कों की तरफ से मेरा सवाल है। मेरे घर में मेहमान आते हैं, मम्मी बोल देती है अरे वो चाय गिर गई, विनय की नीली वाली चड्डी लाके पोछ दे। वो चड्डी से पोछ रहे हैं और वो गेस्ट सब छोड़ के चड्डी को देख रहे हैं। उसमें इतने होल हो गए ना, मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा हूँ कि उस वक्त होल नहीं थे जब मैं इसको पहनता था, ये बाद में हुए हैं। मतलब इतने होल तुमको दिखाऊंगा, बोलो कि ज़ारा से लेके आया। और पता है क्या लड़कों का क्या होता है, कि हम लोग ना अपने कपड़ों में, हम लोग की बॉन्डिंग हो जाती है जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं। हमारा अपना अलग ही रहता है, कपड़े गंदे हो जाए जो हो जाए हम उसको पहनते हैं, निकाल करके एकदम पहनेंगे, लेकिन कब उसका पोछा बन जाए वो हमें पता नहीं चलता। मैं एक बार टूर पे गया था, स्टैंड अप के चक्कर में टूर होते रहते हैं, एक बार टूर पे गया था मैं। टूर से घर आया तो मेरा फेवरेट बरमूडा था वो गिरा हुआ था, मैं उठाया और मैंने कहा नीचे से आलू लेके आता हूँ, और गया नीचे। मैं लिफ्ट तक पहुंचा, नीचे की बटन दबाया और फिर मैंने रियलाइज किया मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। छेद तक ठीक था, तूने पोछा को बीच से फाड़ क्यों दिया है मेरे बरमूडे को? अब मैं बैठा हूँ आलू लेने के लिए, हरामखोर देख लिया। मेरी बिल्डिंग का सब्जी वाला, मैं उसको बोल रहा हूँ कितने पैसे हुए, तो कहता है अब मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम। अगला मैं बकचोदी मत कर, पैसे बता कितने हुए। एक बार ना मेरी वाइफ, मतलब काफी अच्छा टाइम चल रहा था, हम लोग एकदम अच्छे से बातें कर रहे थे, सब नॉर्मल था, तो मेरी वाइफ ने मुझसे ऐसे प्यार से पूछा कि अच्छा मेरे अंदर 3 खराबियां बताओ। जोक बोलने के पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, मुझे पता है तुम अंदर से भरे बैठे हो, थोड़ा सोच लो,
कम से कम सोचने का नाटक तो कर लो। खाना अच्छा नहीं बनाती, मम्मी के साथ बहुत झगड़ा करती हो, मेरे साथ बहुत झगड़ा करती हो, और बाप रे बाप शक तो बहुत करती हो। शायद चार हो गए। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है यार ये वाइफ पे जोक करते रहता है हमेशा, है ना। मुझे आकर के एक बंदा पूछा भी कि आप ऐसे अपनी बीवी पे जोक करते हो तो आपकी बीवी बुरा नहीं मानती? मैंने कहा मैंने ट्राई किया था पूछूं, मैंने वीडियो डाला और उसको पूछने गया तो कह रही थी 2 मिनट रुक जा वीडियो फॉरवर्ड कर रही हूँ सबको। मैंने कहा सवाल ही नहीं बचा भाई, वो मेरा वीडियो ऐड के साथ देख रही है, वो ऐड भी स्किप नहीं कर रही, कहती इससे घर में पैसे आएंगे। पता नहीं कौन से रिलेटिव थे भाई, मैंने कभी देखा नहीं, आए और मेरे कान में बोलते हैं कि ज़्यादा नर्वस मत हो, जो बीवियाँ होती है ना वो नारियल की तरह होती है। मैंने कहा पता है वो बाहर से सख्त अंदर से नरम, बोलते नहीं नहीं वो नहीं, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने कहा बताओ, तो कह रहे कि देख नारियल होता है ना बाहर से सब सेम लगते लेकिन अंदर से सड़ गया है अच्छा है, वो तो जब तू नारियल फोड़ेगा तो ही पता चलेगा ना, तो बीवी अंदर से कैसी है वो तुझे अभी नहीं पता चलेगा। अगर नारियल सब ट्रांसपेरेंट दिखते तो आधे नारियल तो बिकते ही नहीं ना। मैंने कहा अंकल बहुत अच्छा है आप सेक्सिस्ट हो। नहीं नहीं एक्चुअली बहुत अच्छा है। मैंने कहा सेम एग्जांपल आप लड़कों पे लगा दो, एक नारियल ना बिके, लड़के सारे हरामी हैं।